हेलो दोस्तों, पोकेमोन जर्नी के एपिसोड 5 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सेरुलियन सिटी के आगे, तो चलो जल्दी से चलते हैं। दोस्तों इस ब्रिज से ना आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। अरे ये कौन आ रहा है? अबे शिनचैन, तू अभी तक यही पहुंचा है? कीड़े पड़े तुझे। मेरा नाम मुकेश है, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। ओए गैरी, तू ठीक है ना बेटे? अबे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कह रहा हूँ मैच हो जाए। भाई तो इसमें इतना हिलने की क्या जरूरत है? भाई इतना घमंड मत दिखाओ, मैंने इस बार 3 पोकेमोन पकड़े और मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। जाओ पिजी, जाओ पिकाचू, यूज करो अपना न्यू मूव थंडर वेव अटैक। अबे ये क्या है, इसने क्या कर दिया मेरे पिजी के साथ? पिकाचू अब वो पैरालाइज हो चुके हैं, अब यूज करो थंडर शॉक अटैक। अबे ये क्या है भाई, तुझे पता नहीं है क्या, हम लोग पिकाचू को रोज ट्रेन करते हैं नए नए मूव्स के साथ। पिकाचू वापस आओ, क्लिफेबल जाओ। तुम लोग अभी तक मेरे फुल्ली अपग्रेडेड ऑडिश से नहीं मिले, ऑडिश बाहर आओ। क्लिफेबल ग्राउल अटैक, इतना भी नहीं पता क्लिफेबल का ग्राउल अटैक ऑडिश पे कोई काम नहीं करता। ऑडिश एसिड अटैक, इसने तो एसिड अटैक से क्लिफेबल की काफी पावर कम कर दी। अरे क्लिफेबल सिंग अटैक से इसको सुला दो। ओ तो ये ऑडिश सिंग अटैक को काटो और नीचे जाके एसिड अटैक। अब क्या कहना है तुम्हारा? ओए इसने तो पूरी पावर कम कर दी क्लिफेबल की, ये क्या बकवास है? अरे क्लिफेबल तो इंजर्ड हो गई, जाओ ऑडिश। ओ तो तुम्हारे पास भी एक ऑडिश है, देखते किसका ऑडिश ज्यादा ताकतवर है। ऑडिश अब्सॉर्ब अटैक। ओए अब्सॉर्ब अटैक ने तो कुछ भी नहीं किया। अब खाओ तुम ऑडिश का एसिड अटैक। ए हमारे पास भी है एसिड अटैक। एक और का एसिड अटैक, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ एक और का। अरे शिनचैन एसिड अटैक करते करते तो हमारे ऑडिश की पावर बहुत कम हो गई। ऑडिश वापस आओ। ओके बल्बसौर जाओ। बल्बा अबे ऑडिश एसिड अटैक, हमें ना कुछ नहीं होता, वाइन भी अटैक। अबे तो वाइन भी अटैक से भी कुछ नहीं हुआ मुझे। एसिड अटैक ऑडिश, भाई देखो एक ही अटैक आता है क्या? वो लगता है इसको एक ही अटैक आता है। पिकाचू लड़ो, एसिड अटैक से खत्म कर दो पिकाचू को। पिकाचू और थंडर वेव अटैक पैरालाइज कर दे इसको। अबे तुम्हें पता नहीं है क्या, ऑडिश अब्सॉर्ब अटैक से पैरालिसिस खत्म कर दो। अरे ये क्या बकवास है? अबे तुम्हें पोकेमोन्स के बारे में कुछ नहीं पता, ट्रेनर कैसे बच गए तुम? पिकाचू थंडर शॉक अटैक से इसकी पावर कम कर दो। ओ कम हो गई ऑडिश एसिड अटैक। एक और थंडर शॉक अटैक पिकाचू। शिनचैन बस एक और थंडर शॉक अटैक मार रहा है और ऑडिश खत्म। अब्सॉर्ब अटैक से पावर अंदर कर लो। पिकाचू कोई बात नहीं, एक और थंडर शॉक अटैक। तो पावर काफी कम हो गई, ऑडिश अब्सॉर्ब अटैक। और अब ये लो वो पोशन जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे ये क्या हैकिंग है? ए इससे तो ऑडिश की पावर फुल हो गई। ओ ये तो चीटिंग है भाई शिनचैन, हमें गेम प्लान चेंज करना होगा। पिकाचू वापस आओ, पीजी जाओ। तो तुम ये घटिया सी पीजी ले आए, पीजी के लिए तो ये अब्सॉर्ब अटैक ही काफी है। हां पीजी को कुछ भी नहीं हुआ इस अब्सॉर्ब अटैक से। पीजी गस्ट अटैक से इसको खत्म कर दो। पीजी पीजी ओ लगता है तुम्हारी पीजी काफी ताकतवर है, ये लो स्टन स्पोर। अरे ये कौन सा अटैक है? अरे शिनचैन इससे तो हमारी पीजी पॉइजन हो गई। अरे दोस्तों ये तो पॉइजन हो गई, अब क्या करें? पीजी फिर से गस्ट अटैक। अबे ये क्या ऑडिश मिल गया? अरे नहीं ऑडिश बेटे एक और पोशन डालो। अरे यार ये पिजी तो अभी भी पॉइजन्ड है। अरे मुझे लगता है हमें पिजी को वापस बुला लेना चाहिए। जाओ बटरफ्री। ए बटरफ्री मेरी है, मैं कंट्रोल करूंगा बटरफ्री को। जाओ ईवी। ओए ये किस चूहिया की बच्ची को भेज दिया? अबे घटिया बोलता है ये ले क्विक अटैक। बटरफ्री गस्ट अटैक, उससे पहले मेरा प्रसाद खाओ। ईवी क्विक अटैक। शिनचैन भाई हम लोग जीतने वाले भाई, ये ले गस्ट अटैक। अब भैया क्या एक और क्विक अटैक। यार इस क्विक अटैक से तो बटरफ्री की काफी हेल्थ कम हो रही है। ए बटरफ्री वापस आओ, ऑडिश जाओ। अबे तुम फिर ले आए इस ऑडिश को, ये ले ईवी टेल वेव अटैक। ये कैसा अटैक है? शिनचैन भाई ये सही मौका है ईवी को खत्म करने का। ऑडिश अब्सॉर्ब अटैक। अबे नहीं, अबे 3 पोकेमोन के साथ कैसे हार गया मैं? अबे ऐसा कैसे हो गया यार? प्रोफेसर ओक ने तुम्हें कौन सा तोड़ के बताया जो मुझे नहीं बताया? अबे आज मैंने बॉर्नवीटा का दूध नहीं पिया था इसलिए मैं हार गया, कल मैं दूध पी के आऊंगा और तुम्हें हराऊंगा।
ठीक है बेटे, जाके दूध पियो। है बेटे दूध पियो मत बोल, जा रहा हूँ मैं। अरे ये कितना पागल आदमी है यार, हम लोग भी चलते हैं यार इस ब्रिज के ऊपर, हमारा फालतू में टाइम वेस्ट हो गया। ए ये मेंढक की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये मेंढक की आवाज तेरी थी? ओ यार मैं छोड़ दूं, पहले अपने आवाज का इलाज करवा। मैं चुनता हूँ ग्राउलेट को। अरे ये कौन सा पोकेमोन है, पोकेडेक्स बताओ। ये एक फायर टाइप पोकेमोन है, ये ज्यादातर अपने पंजों से वार करता है और अपने मुंह से आग फेंकता है। पिकाचू जाओ और थंडरशॉक अटैक से इसे खत्म कर दो। ओए इसको दो मिनट में हरा देगा। ऐसा नहीं हो सकता, एम्बर अटैक ग्राउलेट। पिकाचू यार एक और थंडरशॉक अटैक मार और इसे खत्म कर दे। भाई तुमने मानसिक इलाज करवाजान, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने उस बच्चे को हरा दिया। पूरे इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन की क्या बात है, तो हम बचपन से ऐसे करते आ रहे हैं। टीम रॉकेट का सबसे सस्ता मेंबर और मैं तुम्हें फिर से हरा दूंगा। हम तो डर गए, हम ही ऐसे टीम रॉकेट तो हरा पाती नहीं है, तू सस्ते मेंबर तू क्या रहेगा? मैं सस्ता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं हरा नहीं पाऊंगा। मैं हूँ सड़ेला करेला, मैं चाहता हूँ मैं हूँ पोकेमोन चोर। जाओ जुबैट। अरे इसके लिए तो अपना पिकाचू ही भारी पड़ेगा। पिकाचू जाओ, पिकाचू यूज करो थंडर शॉक अटैक। ओ ये तो एक थंडर शॉक में मर गया। ओए निकल चढ़ेले करेले, अभी तेरा करेला बना के मैं भेजता हूँ। मैं रुको, मेरे पास अभी भी एक और पोकेमोन है। ओए कौन सा? जाओ कोफिंग्स। ओए ये तो वही पाद वाला पोकेमोन है। ओए लगता है ये फ्री में नाली में गिरा हुआ मिल जाता है, तभी पूरी टीम रॉकेट के पास यही वाला पोकेमोन है। पिकाचू थंडर शॉक अटैक। तो ये बात है, कोफिंग्स पाद अटैक। पिकाचू थंडर शॉक अटैक से खत्म कर दो इस घटिया से पादू कोफिंग्स को। लगता है टीम रॉकेट का सस्ता मेंबर एक बार फिर से हार गया। अरे दोस्तों ये क्या हो रहा है? पूरी लगता है बल्बसौर रिवॉल्व हो रहा है। ए ये तो बहुत ही तगड़ी बात है। अरे लेकिन ये बड़ा रूप कौन सा होगा? Congratulations, your Bulbasaur evolved into Ivysaur. Yes, दोस्तों फाइनली हमारा बल्बसौर आइविसौर में इवॉल्व हो चुका है। शिनचैन इसका मतलब ये है कि अब हम ऑलमोस्ट हर मैच जीतेंगे भाई, क्योंकि हमारा आइविसौर अब बहुत तगड़ा बन चुका है। हाँ भाई तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो दोस्तों आगे चलते अपने सफर में। ए चलो चलो जल्दी से, मैं तो अब इंतजार नहीं कर सकता। अरे ये आदमी भला अपने चार्मेंडर को इतना डांट क्यों रहा है? चलो दोस्तों अच्छे इंसान की तरह चलो, एक बार पूछ के आते हैं। अरे भाई साहब आप डांट क्यों रहे हो अपने चार्मेंडर को? अबे बहुत घटिया है यार ये चार्मेंडर, मेरे को नहीं चाहिए, लेके जाओ इसको कबाड़ी में भेज दो। भाई यार इतना घटिया है भाई, मैं क्या करूँ इसको? सीता रीता कुछ नहीं है, तुम्हें बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अरे यार अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मुझे दे दो। आप मेरे पिकाचू से पूछ लो मैं कितना तगड़ा हूँ। अबे ये सब किताबी बातें हैं, तुम बिल्कुल तगड़े नहीं हो। तुम्हारे पास कितने पोकेमोन है तुम ये बताओ? अगर तुम्हारा 50 पोकेमोन है तो मैं तुम्हें 4 महीने दे देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे तो चाहिए नहीं है। भाई साहब हमारे पास तो सिर्फ 15 पोकेमोन है। जब तुम लोग 50 पकड़ लोगे ना तब आगे मुझसे बात करना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है हम जा रहे हैं, 50 पकड़ के ही आएंगे। हम उस चार्मेंडर को तेरे चंगुल से बचाएंगे। दोस्तों हमें जल्दी से 50 पोकेमोन पकड़ने होंगे। ए चलो जल्दी से पकड़ते हैं। दोस्तों हम लोगों ने पूरे 49 पोकेमोन पकड़ लिए, अभी हमारी 50th हो सकती है। और चलो इस पीजी को भी पकड़ लेते हैं और अपना 50वां पोकेमोन बनाते हैं। ओ चलो दोस्तों जल्दी से पोकेबॉल फेंकते हैं, हमारे पास सिर्फ 5 पोकेबॉल ही रहती है। ए तो जल्दी से फेंको। ए आजा आजा पीजी आजा पकड़ में। हाँ यार काश दोस्तों ये बाहर ना आए। यस यस दोस्तों यस यस। ओ दोस्तों ये, अरे ये तो बाहर आ गई। ए यार ये बाहर कैसे आ गई? ओए फेंको फिर से। अरे ये तो बहुत कूद रही है। अरे काश ये गाइस पकड़ में आ जाए। हाँ यार ये पकड़ में आ जानी चाहिए। गाइस देख लो मैंने पूरे 50 पोकेमोन्स पकड़ लिए हैं। चलिए दोस्तों अब जल्दी से उस चार्मेंडर को उस पागल आदमी के चंगुल से छुड़वा लेते हैं। हूं ये हमें ये चार्मेंडर दे दो। हां ज़ुल्मी इंसान ये चार्मेंडर हमें दे दे। हां भाई वो तो मैं देना ही चाहता था, वैसे भी बहुत घटिया चार्मेंडर है, तुम भी रख के क्या ही कर लोगे? हो गए तुम्हारे 50 पोकेमोन्स।
फिर मैं क्या करूँ, ले लो ये घटिया सा चार्मेंडर, मुझे चाहिए भी नहीं। घटिया घटिया मत बोल, हर पोकेमोन अच्छा होता है ठीक है, और ये चार्मेंडर हम हमेशा के लिए रख लेंगे। आ जाओ चार्मेंडर हमारी इस पोकेमोन जर्नी में। ये चार्मेंडर फाइनली हमारी जर्नी में हमारे साथ जुड़ चुका है। चार्मेंडर बाहर आओ। अरे दोस्तों चार्मेंडर कितना प्यारा पोकेमोन है। चलो चार्मेंडर हमारी इस पोकेमोन जर्नी में तुम्हारा स्वागत है। चार्चार। चलो चार्मेंडर जल्दी से चलते हैं। तो गाइस अगर आपको जानना है इसके बाद क्या हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आप लोगों को पता चल जाए। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।